हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवमेंट इन ऑल। मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज दिन है मंगलवार और अभी लगभग 10:30 के आसपास हो रहा है। ये थोड़ा लेट से ऑफिस जाएंगे और दो दिन से इनका ऑफ था, तो मैंने रविवार और सोमवार को किसी भी प्रकार का कोई वीडियो शूट नहीं किया था। शनिवार को मैंने वीडियो जो व्रत के बाद शूट किया था, सो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। उसके बाद मैंने कोई कैमरा नहीं उठाया, थोड़ा सा पारिवारिक कुछ काम था और ये भी घर में थे, तो इसीलिए थोड़ा सा बाबू के साथ समय स्पेंड करने लगे, मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो आज क्या है कि आज मैं खाना नहीं बना रही हूँ। अब खाना नहीं बनाऊँगी तो खाऊँगी क्या, तो ये तो आपको वीडियो के दौरान पता चलेगा। मैंने इनसे कहा, आपने दो दिन का ऑफ लिया, आपको तो आराम मिल गया, अब हम लोगों का क्या है भाई, हर दिन खाना बनाओ। तो इन्होंने कहा ठीक है, आज तुम भी खाना मत बनाओ। लेकिन औरत लोग का क्या होता है, आप लाख खाना नहीं बनाओ लेकिन किचन से आपका रिश्ता ख़त्म होने वाला है ही नहीं। आप जब किचन जाओगे, आपके लिए काम आपका वेलकम कर रहा होता है, आओ आपका वेलकम है, मुझे करो, मैं मुझे कंप्लीट करो। तो किचन घुसने के बाद काम तो हो ही जाता है, लेकिन आज का जो भी खाना है काफ़ी अच्छा है। और फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा सब्ज़ी वगैरह कुछ बना लेते हैं, ऐसे खाली खाली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आपको अगर परमिशन मिल जाए कि आप खाना मत बनाओ, फिर आपको अपने आप में होने लगेगा कि नहीं, बहुत देर से किचन नहीं गए हैं, किचन जाना चाहिए, थोड़ा सा किचन देखना चाहिए क्या स्थिति है किचन की। तो खाना आप बनाओ या ना बनाओ, काम तो आपको उतना ही करना होता है। तो आज मैंने खाना नहीं बनाने का सोचा, तो आज मैंने बहुत सारे काम को निपटाया है, छोटे छोटे काम को। दो दिन से यही पोछा कर रहे थे, अपने ही मन से कर रहे थे, तो पोछा जो है इतना गंदा हो गया था, अब मैं इनको क्या कहूँगी। तो सुबह उठ के सबसे पहले गर्म पानी में मैंने उसको साफ़ किया। किचन का भी कपड़ा आज मुझे ज़्यादा गहराई से साफ़ करना था, मैंने उसको भी साफ़ किया। और साड़ी काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, आपने देखा कि तीज के एक दिन पहले, तीज के सुबह, तीज के शाम में, तीज के अगले दिन, इस तरह करके 4-5 साड़ी जमा हो गया था। तो मैंने सोचा आज इसको भी कर ही लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो राहत मिली, तो थोड़ा सा बाथरूम में समय लगा दिया। तो सिल्क साड़ी जो सब है, जो कृष्णाष्टमी वगैरह में हमने पहना था, उसको तो इजी में साफ़ करना है, तो एक दो साड़ी को मैंने छोड़ दिया। बाकी जो भी था सबको मैंने अच्छे से हाथ से साफ़ किया, हैंड वॉश किया, रिवाइव डाला, कम्फर्ट डाला। उसके बाद सोचा चलिए आप लोगों से भी मिल लेती हूँ। तो अभी तो किचन चलेंगे, देखते हैं क्या बनाते हैं आज। जो भी सब्ज़ी बनने वाली काफ़ी टेस्टी। और ज्योति, आपको मैं कहना चाहूँगी, आप बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी देखने में आप हो, मुझे बहुत अच्छी आप लगी, और आपका ब्लाउज का डिज़ाइन मेरा दिल छू गया। और मैं भी प्रयास करूँगी बनाने का, अगर आप मेरे पास रहती तो मैं तो आपसे ही बनवा लेती। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को बिल्कुल शिद्दत से पसंद करते हैं। आप लोगों में अर्चना प्रभात डियर, आपका नहीं आया है कोई भी इमेज, मैंने मेल चेक किया, लेकिन ज्योति का आ गया है। और कुमारी सुलोचना, इन लोगों ने, मैंने किसी को अभी इस चैनल पे या उस चैनल पे ऐसा नहीं कहा है कि आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करो या इंस्टाग्राम पे करो, लेकिन जो लोग किसी को पसंद करते हैं, जैसे कि कल से मैंने ज्योति का इमेज देखा है, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लगता है मैं कैसे उनसे बात करना शुरू कर दूँ। तो उसी तरह कुमारी सुलोचना, ये अर्चना प्रभात, इन लोगों ने अपने मन से ही फेसबुक पर मुझे सर्च किया है और वहाँ मेरे वीडियो फ़ोटो जो भी हैं उसको लाइक किया है। तो इसी को कहते हैं, जब लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बिना बताए उन तक पहुंच जाते हैं। तो आप लोग भी अगर कोई फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, नम्रता पांडे के नाम से ही मैं वहां पर आपको मिल जाऊंगी। मेरा इमेज ही देखकर आपको लगेगा कि मैं हूं, और इंस्टाग्राम पर भी मैं हूं, नम्रता पांडे करके ही हूँ, लेकिन उसका कुछ डिजिट है 337 वगैरह करके, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उस पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, उस पर भी मैं इमेज वगैरह डालती रहती हूँ। तो ज्योति, आपकी इमेज को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो। तो चलिए आज किचन अब चलते हैं। लेकिन एक और भी मैंने एक महत्वपूर्ण काम किया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने अपने बेटे का बाल काटा है। झुम्मू इधर आइए, ये देखिए इसका बाल मैंने काटा है बहुत मेहनत से। इधर इधर इधर, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसका, इस तरह से सीधा खा रही हूँ, इस तरह से मैंने इसके बाल की कटिंग की हुई है। काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया था, इधर से निकल रहा था। तो वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है, वक्त ने मुझे ये भी सिखा दिया। अपना तो मैं हेयर कट कटती ही थी, लेकिन मैंने इसका भी कर दिया और काफ़ी अच्छा किया। ऐसा नहीं है कि इधर ज़्यादा इधर कम किया है, 80 से दिखाइए ना, ऐसे करिए ना, पूछिए कि मेरा हेयर कट कैसा है, पूछिए। तो
ये देखेंगे आप इस तरह से मैंने इधर छोटा किया है। इस तरह से वक्त जो है इंसान को सब कुछ सिखा देता है। तो चलिए अब चलते हैं किचन। अब मैं किचन आ गई हूँ और यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ ये जो कुशी मटर था इसकी सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी कुशी मटर लिया है, इसको दो विशल लगा दिया है और दो टमाटर, थोड़ा सा अदरक, दो हरी मिर्च, एक बड़ा सा प्याज और ये सारा सूखा मसाला है, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, ये सारे लिए हैं और कुछ आलू उबला हुआ लिया है। आलू और ये कुशी मटर डालकर बिल्कुल छोले की तरह सब्ज़ी बनाऊंगी। और ये तड़का लगाने के लिए लाल मिर्च, दो तीन तेज़पात, थोड़ा सा हींग और थोड़ा अधिक पंचफोड़ना। तो अब यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो गई है और तेल भी गर्म हो गया है, मैंने इसमें हींग डाल दिया है और तेल बिल्कुल कम लिया है और इतने कम तेल में भी इतनी अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं बिल्कुल कम तेल का प्रयोग करती हूँ। अभी तो इधर से डाइटिंग भी ख़त्म हो गया है, अब जब तेल पक जाएगा तो ये जो प्याज मैंने काटा था इसको अगर आप इस तरह हाथ से क्रश कर देते हैं तो बिल्कुल पतला पतला आपका हो जाएगा, प्याज का हर परत जो है अलग हो जाता है और हर हमेशा मिक्सी वगैरह यूज करना बहुत भारी लगता है। तो मैंने इसी तरह से किया और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनी थी। अब यहाँ पर मैंने प्याज डाला है, प्याज जैसे ही ब्राउन हो जाएगा तो मैंने टमाटर काट कर रखा है, अदरक वगैरह सब खुरच कर रखा है, तो इसमें मैं डाल दूँगी ये टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। इसके बाद थोड़ा सा जब ये सॉफ्ट हो गया टमाटर तो मैंने इसमें डाल दिया नमक और हल्दी। इसके बाद इसको चलाऊंगी और ये थोड़ा सा और भी सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये अगर 50% जैसे पक जाएगा तब फिर मैं इसको थोड़ा सा क्रश कर दूंगी इसी चलाने वाले से, जिससे कि टमाटर पूरी तरह से, टमाटर और प्याज का जो है पेस्ट बन जाए। और ये जब पेस्ट बन जाएगा तो मैंने जो मसाला लिया था उसमें पानी डाल दिया था, उस सारे मसाले को मैं इसमें डाल दूंगी और इसके साथ अब मैं बिल्कुल अच्छे से इसको चलाऊंगी और इसको 50% तक पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना है, 50% पकाऊंगी। और 50% पकने के बाद इसमें मैं कुशी मटर डाल दूंगी और कुशी मटर बिल्कुल अच्छे से पक गया है तो कुशी मटर की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है, तो इसको डाल दूंगी और इसको लगभग 1 या 2 मिनट चलाने के बाद फिर मैं बॉयल किया हुआ आलू डाल दूंगी। और उसके बाद फिर, चूंकि आपने देखा 50% मैंने मसाला पकाया था तो और भी पकाना है, तो आलू डालने के बाद मैं बिल्कुल अच्छे से आलू को, मटर को, सबको पकने दूंगी ताकि इस मटर में, आलू में ये जो मसाला है सब एब्जॉर्ब हो जाए। और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और डियर, आप लोग में से कोई भी अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, बताइएगा मेरा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है और प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आपको हर तरह के वीडियो मिल जाएंगे। हर संडे को इस पर मेकअप लुक आता है और मैंने तीज का काफ़ी अच्छा अच्छा ब्लॉग शेयर किया है। जो नए हो मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो पुराने हैं वो तो हैं ही। और देखिए जब इस तरह से पूरा ये आलू और मटर पक गया, आलू को मैंने थोड़ा थोड़ा क्रश भी किया था ताकि सब्ज़ी जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छा बने। और ये देखेंगे आप, मटर भी पूरी तरह से पक गया है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी। पानी डालने के बाद इसको मैं, आपको जितना रस रखना है आप रख सकते हैं, मुझे थोड़ा गाढ़ा ही रखना था, लेकिन रस डालने के बाद भी 10-12 मिनट तक इसको पकाना होता है जिसमें कि रस और भी कम हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा और भी इसमें पानी डाल दूँगी और आधा चम्मच ऊपर से और भी गरम मसाला डालकर मैं इसको ढक दूंगी। और ढकने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर दूंगी, बिल्कुल कम आंच पर इसको मैं 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जब तक उधर वो पकेगा। अब मैं आ गई हूँ बालकनी और ये मौसम देखिए कितना अच्छा है, वहाँ देखिए आपको लग रहा होगा कि जैसे लगता है वॉलपेपर लगा दिया गया है और वही जो आपका, आपको बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है वही मेरे बेटे का स्कूल है, किड जी स्कूल है। एडमिशन होने के बाद एक भी दिन ये स्कूल नहीं गया। और यहाँ पर मैं अब धीरे धीरे सारे कपड़े को डाल दूंगी और ये जो पोछा साफ किया था इसको मैंने इधर रखा था, तो 4 साड़ी आज मैंने धुली है। ये तांत की साड़ी है, एक तांत है, एक कोटा है और एक सिफॉन है, और एक दो सिफॉन है, ये मैरून वाला और येलो वाला सिफॉन है, ये कोटा है ऑरेंज वाला, ये जो कोको कोला कलर का है ये तांत है। तो इन साड़ियों को मैं यहाँ पर डाल दूंगी और साड़ी डालने के बाद और कुछ एक दो छोटे छोटे कपड़े को डाल दिया, अब चलूँगी किचन और देखूँगी सब्जी का क्या हाल है, क्योंकि अब खाना भी लगाना है। ये निकलेंगे ऑफिस के लिए और ये देखेंगे आप, सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी है, आप देख ही रहे हैं जो है आपके सामने में है। तो आज खाना नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या, तो आज खाना है दही चूड़ा और ये सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड कुछ मीठा नहीं खाते हैं दही चूड़ा के साथ, तो उनको मैं नमक दूँगी और हरी मिर्च है,
जो भी उनको चाहिए। और ये अंकुरित, जो इसको हम लोग ओकरी भी बोलते हैं, अंकुरित चना, मूंग, कुसी मटर, ये भी उनको दही चूड़ा के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये था हमारा खाना, आप लोग भी खाने चलिए। अब यहाँ पर शाम के बज रहे हैं लगभग 4:45। अब आई हूँ मैं ये उठाने के लिए, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं था, हवा चल रही थी, हवा के सहारे से मुझे सुखाना था। तो मैंने सोचा इसको सूखने देती हूँ, फिर आऊँगी, दूसरे तीसरे काम में लगी थी, तो मैं लगे हाथ यहीं पर इसको समेट लूँगी, क्योंकि आयरन नहीं करूँगी अभी, करूँगी बाद में आराम से 2-4 दिन बाद। तो इसको मैं इस तरह से समेट कर सारे साड़ी को रख दूँगी। और मैं साड़ी ही समेट रही थी कि ऑफ़िस से ये भी आ गए, 5 बजे आ गए, तो ये शायद कुछ सब्ज़ी लाए हैं। तो सब्ज़ी तो मैं इधर से इस ग्रिल से ले लूँगी, लेकिन वो इन करेंगे उस गेट से, और इन करने के बाद ये कहीं नहीं रुकते हैं। और ये सब्ज़ी है, गोभी, टमाटर, नींबू, धनिया पत्ता, जो जो भी था मैंने यहाँ रख दिया। और अब मैं इनको टॉवल वगैरह दे दूँगी, और जितना देर में ये नहाएंगे उतना देर में मैं सारे कपड़े को यहाँ पर फोल्ड कर लूँगी, और जो भी छोटा छोटा बचा हुआ है, पेटीकॉट है, ब्लाउज है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं बालकनी में डाल दूँगी। उसके बाद मैं तैयार करूँगी नाश्ता, और नाश्ता भी आज का काफ़ी टेस्टी होने वाला है। हम बिहारियों के लिए तो ज़्यादा अच्छा वो नाश्ता कहलाता है, हम लोग ट्रेन वगैरह पर भी खाते हैं, आप लोग गेस करिए क्या होगा। और इस बीच में ये लगभग 2 बजे दिन में भी आए थे, क्योंकि इनका ऑफिस बिल्कुल पास में है, तो उस समय मैंने चावल बिरयानी बनाया था, तो मैं वो शूट नहीं मैंने किया, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये ब्लॉग हो जाता, तो यहाँ पर मैंने सारे ब्लाउज और को डाल दिया, और जो भी साड़ी वगैरह बचा था सबको मैंने उठा लिया। अब मैं सब में क्लिप लगा दूँगी, और ये देखेंगे आप जितना भी कपड़ा था, पेटीकॉट, जितना जिस कलर का मेरा ब्लाउज है, 6 ब्लाउज और 6 पेटीकॉट मैंने यहाँ डाला हुआ है। अब मैं आ गई हूँ किचन, ये भी नहा कर आ ही गए हैं, अब भगवान का पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती वगैरह जलाएंगे, तब तक यहाँ मैं आ गई हूँ झाल मुरी बनाने। आप लोग में से सब कोई सच सच बताइएगा, कौन कौन झाल मुरी को अधिक पसंद करते हैं और कौन कौन जानते हैं इसे। तो यहाँ पर मैंने सस्पेन में पानी और चाय, दूध रख दिया है, ताकि किचन से निकलने लगूँगी तो चाय भी ऑन करते हुए जाऊँगी। और यहाँ पर मैंने मूढ़ी लिया है, उसमें सरसों तेल डाला, नमक डाला और थोड़ा सा धनिया मसाला डाला, इसको मैं बिल्कुल अच्छे से मिला दूँगी। अब मैं यहाँ पर अंकुरित कुशी मटर, अंकुरित चना, मूली और अंकुरित मूँग, प्याज और इसमें नींबू डाल दूँगी। और इस सब को मिलाने के बाद बाबू के लिए निकाल के फिर मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, और रात के लिए मैंने आटा भी वहाँ मिलाकर रख दिया है। तो इतना टेस्टी नाश्ता, चलिए आप लोग नाश्ता करिए, आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा ये नाश्ता, ये खाना कैसा लगा। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, और चाय को भी मैंने ऑन कर दिया है बिल्कुल कम आँच में, और यहाँ पर मैं बिल्कुल ट्रेन की तरह इसको बनाकर इसमें मैं नाश्ता को पैक करूँगी। और जब मैंने उनके हाथ में दिया था, ऊपर से एक हरी मिर्च भी रख दिया था, तो वो बोल रहे थे क्या कि बहुत अच्छा तुम बना लेती हो, दुकान खोलोगी। मैंने कहा हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम करने में शर्म कैसा, आप मजाक बना रहे हैं, मैंने इतना अच्छा आपके लिए बनाया। तो बोले नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी टेस्टी बना था ये। और हरी मिर्च भी मैंने एक काट कर दिया था बाबू का निकालने के बाद। तो डियर, आप लोगों में से किस किस को ये नाश्ता पसंद है, कौन कौन ऐसा घर में ट्राई करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज़ आपको इस तरह के ब्लॉग मिलते रहे। बाय बाय डियर।